फार्मेसी नॉलेज चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेशन पेपर। सो हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने प्रोवाइड किए हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक दे दूँगी एंड उस प्ले लिस्ट की भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं यदि आपने नहीं देखा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी डी फार्मेसी का फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है। सो इसमें टोटल 3 आवर्स में टाइम 3 आवर्स है एंड मार्क इज फुल मार्क इज 80। सो 80 आपका फुल मार्क है एंड टाइम 3 आवर्स। सो 3 आवर्स में आपको टोटल 7 क्वेश्चंस है। 7 क्वेश्चन में आपको कौन से भी एनी 5 आंसर के आपको सॉल्व करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 को मिला के आपको टोटल 1 से 7 तक क्वेश्चन है, आपको टोटल 5 क्वेश्चन 3 आवर्स में कंप्लीट करना होगा और 5 क्वेश्चन कैरीज 80 मार्क्स। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग एनी 5 मीन्स कुछ फॉलोइंग्स दिया है तो हमें उसको डिफाइन करना है, मीन्स अच्छे से डिस्क्राइब करना है। लेट्स सी व्हाट आर द फॉलोइंग्स। फर्स्ट इज डेमोग्राफी, देन एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, देन फागोसाइटोसिस, देन नोसोकोमियल इन्फेक्शन, देन ट्रेस एलिमेंट्स एंड फ्रैक्चर। तो ये 6 टर्म्स हैं, तो आपको ये 6 टर्म्स को आप इन 6 टर्म में से आपको एनी 5 टर्म्स को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें मार्क है 2 into 5 मार्क है, तो आपको एनी 5 डिस्क्राइब करना है, मतलब 2 मार्क ईच क्वेश्चन कैरीज। देन क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बी और क्या है, एक्सपांड द फॉलोइंग एब्रीविएशंस। इसमें ह्यूमन एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में एब्रीविएशन बहुत आते हैं, तो एब्रीविएशन आप कम से कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि और हम बहुत रिपीटेड भी आते हैं, तो आप बहुत मतलब कि ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से आते हैं, तो आपको सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम में ईजिली याद आ जाएगी, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सो फर्स्ट इज़ MTP, MMR, देन HDL, COVID-19, जैसे कि 2019 में कोविड आ गया था तो इस COVID-19 भी क्वेश्चन में आ गया है उसका फुल फॉर्म। देन CPR, NACO मीन्स NACO, OTC, DRI, MAO, देन लास्ट इज DDD। तो एक क्वेश्चन को 1 मार्क मिलता है, मीन्स 1 into 10, टोटल 10 क्वेश्चन है तो मार्किंग 1 into 10 है। देन क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स एनी 5 मीन्स टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, मीन्स डिफरेंस करना है, ऑप्शन क्वेश्चन दिए हैं तो आपको मीन से एनी 5 क्वेश्चन को आपको उसका डिफरेंस करना है। इसका मार्क है 3 into 5। देखते हैं कौन से क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफ्रेंशिएट करना है, टोटल 3 मार्क ईच क्वेश्चन कैरीज, तो अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है आपको। सेकेंड इज एंडेमिक एंड पैंडेमिक, स्पेशली अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, आपको तो पता चल गया होगा कोविड में पैंडेमिक का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली आप कर पाओगे इजीली इसको। एंड थर्ड इज इंक्यूबेशन पीरियड एंड क्वारंटाइन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड एंड क्वारंटाइन पीरियड ये एक है। देन फोर्थ इज RST एंड CST, देन फिफ्थ इज लाउडनेस एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, सिक्स्थ इज टॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। तो आपको ये 6 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन में से एनी 5 आपको करना है, मीन्स डिफरेंशिएट, उसका मार्किंग स्कीम है 3 into 5। देन दी थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन शॉक, व्हाट आर द कॉज ऑफ शॉक एंड राइट इन डिटेल अबाउट इट्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो इसका मार्किंग है 1+3+4+7, मीन्स ये पार्ट होकर मार्किंग है इसमें, मीन्स डिफाइन शॉक को आपको 1 मार्क मिलेगा, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ शॉक उसमें 3 मार्क, देन राइट इन डिटेल अबाउट इट्स सिम्टम्स उसमें 4 मार्क, ट्रीटमेंट में 7 मार्क। तो ऐसे आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको आप इजीली आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यदि शॉक का डेफिनेशन नहीं पता है, फिर शॉक का डेफिनेशन पता है आपको, शॉक का कॉज नहीं पता, तो यदि ये मार्क्स रिमिक्स होता
मीन्स टोटल 3 मार्क का होता, तो आपको पता नहीं चलता कि किस में कितना मार्क होगा, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये अलग अलग पार्ट होके हैं, तो इजीली आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डिफाइन शॉक में हम 1 मार्क है, तो 1 मार्क में हम कितना कुछ लिखें, या फिर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ शॉक में हमारे 3 मार्क है, तो 3 मार्क में हम कितना लिखें, आपको इजीली इससे पता चल जाता है। तो ये बहुत ईजी होता है मेथड कि हमें आंसर लिखने में। देन द फोर्थ क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए में क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर एंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड। सो ये क्वेश्चन कैरीज करता है 8 मार्क। देन ऑप्शन बी में है, डिस्कस वेरियस टेनिंग टेक्निक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट्स ऑन एनी 3, मीन्स कुछ वर्ड्स टर्म्स दिए हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है, मीन्स नोट्स लिखने हैं। थोड़ा 5 मार्क का है, 5 × 3 है, तो इसमें आपको एनी 3 करना है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा करके लिखना होगा। तो फर्स्ट इज मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंड हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, थर्ड कॉजेस ऑफ डायबिटिक, फोर्थ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। सो इसका मार्किंग सिस्टम है 5 × 3। देन क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देन राइट दिस कॉजिंग एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिलरिस, रैबीज एंड सिफिलिस। तो आपको इसमें 6+9 इसका मार्किंग स्कीम है, मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपको 6 मार्क, देन राइट कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ दी 3 डिजीज, इसमें आपको 9 मार्क। तो स्पेशली आपको सभी डिजीज को अच्छे से याद करना होगा, बहुत ईजी भी है डिजीज़, आपको अच्छे से बस याद करना होगा। जैसे कि हमने कोग्नोसी में देखा हुआ है, फार्माकोग्नोसी में ड्रग पढ़ लिए तो हो जाएगा, इसे इसमें भी ज़्यादातर डिजीज आते हैं, टर्म्स आते हैं, मतलब इसका कुछ कह नहीं सकते, बहुत क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी में, एंड बहुत ईजी सब्जेक्ट्स भी है, थियोरी है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मिनरल्स, देन डिस्क्राइब देयर फंक्शन, देन एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन सोर्स रिक्वायरमेंट फंक्शन एंड डिफिशेंसी डिजीज ऑफ कैल्शियम आयरन आयोडीन एंड जिंक। तो इसमें मार्किंग स्कीम है 1+2+12। तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन मिनरल, इसमें आपको 1 मार्क मिलेगा, देन डिस्क्राइब देयर फंक्शन, इसमें आपको 2 मार्क, देन एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन सोर्स रिक्वायरमेंट फंक्शन एंड डिफिशेंसी डिजीज ऑफ कैल्शियम आयरन आयोडीन एंड जिंक, इसमें आपको 12 मार्क मिलेगा। तो ये भी एक ईजी मेथड हो जाता है कि हम आंसर लिखने के लिए किसको कितना मार्क मिलेगा, तो इसी हिसाब से हम आंसर लिख पाएंगे। सो ये था आज का वीडियो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। यदि आपको और भी वीडियोस चाहिए जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मैं यहाँ पे आपको सब प्रोवाइड करूँगी, 2013 से 2000 अप टू मैं जब प्रोवाइड करूँगी 2019-20, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू।